हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लेसन पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज। जो आप पढ़ रहे हैं इस लेसन में वो है 3.1। 3.1 में पहले 6 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए जो फिगर बनी हुई है वो मैंने यहाँ बना दी है। सिर्फ मैंने यहाँ क्या काम किया कि नाम दे दिए ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी और सी नाम दे दिए मैंने। और यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास है जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वैल्यूज निकालनी है, हमें निकालना है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर आप अच्छे से ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां एक्स हमारे पास है, यहां वाई हमारे पास है, यहां जेड हमारे पास है। हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उसके लिए हमें पहले एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज, जब मैंने यहां पर नाम दे दिए ए बी और सी और ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, हमने नाम दे दिया इस ट्रायंगल को। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रेंगल के तीन एंगल का सम स्टूडेंट्स कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा अच्छे से, अब अगर तीन एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, हम क्या काम कर सकते हैं? तो हम यहां पर लिख सकते हैं आर, या हम यहां पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तीन एंगल हमारे पास है, ये तीन एंगल एड करके 180 होने चाहिए। हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए जो हमारे पास है वो 30 डिग्री के बराबर है, एंगल बी हमारे पास जो है वो पता ही नहीं है एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी जो है वो 90 के बराबर है, ऐड करके हो गया हमारे पास 180। हम यहां ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस 90 प्लस 30 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 180। 120 को ट्रांसपोज करें राइट साइड में, बन जाएगा -120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब यहां पर हमारे पास आ गया तो हम यहां लिख सकते हैं देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये एंगल बी जो है स्टूडेंट्स, ये भी हमें मिल गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा अच्छे से, अब ये एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया, हमें क्या चाहिए? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो हम यहां लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर हमारे पास दी गई है स्टूडेंट्स, इसे अगर हम अच्छे से देखें हमें सभी एंगल्स अच्छे से मिलेंगे। हमारे पास एक्स प्लस 90, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है एक्स और 90। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट एंगल को जब आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो लीनियर पेयर बनता है। तो ये हमारे पास आ गया विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल्सो हम लिख सकते हैं, अब एक्स निकल गया, y प्लस एंगल b यानी b हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास 60, तो हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमारे पास लीनियर पेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये भी लीनियर पेयर है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो y जो है ये हमें मिल गया किसके बराबर स्टूडेंट्स, 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहां पर हमें z चाहिए, एंड z प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हमारे पास, एक स्ट्रेट एंगल जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये भी 180 डिग्री, यानी ये भी हो गया लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30, क्योंकि 30 को ट्रांसपोज करो राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर जेड इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्स वाई और जेड निकल गया, तो हम लिख सकते हैं नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इज इक्वल टू एक्स हमारे पास किसके बराबर मिला 90 प्लस वाई किसके बराबर मिला स्टूडेंट हमें 120 और जेड हमारे पास किसके बराबर मिल गया 150। तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 0 5 प्लस 2 7 7 प्लस 9 16 1 1 प्लस 1 आ गया 2 2 प्लस 1 3 यानी 360 डिग्री यानी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास हमेशा होता है 360। तो हमारे पास जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 360 के बराबर मिला। डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट फिगर भी दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट जो है उसे आप कर सकते हो अच्छे से। वहां पर आप ऐसे ही नाम दे सकते हो जैसे मैंने ए बी और सी नाम दिया वहां पर आपके पास फोर वर्टेक्स है तो आप ए बी और ए बी सी और डी नाम दे सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। जैसे ट्रेंगल के तीन एंगल का सम 160 हो गया 180 हो गया क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम जो है वो हमारे पास मिलेगा 360 डिग्री। जब उसके चार एंगल का सम 360 मिलेगा वहां पर भी आप लीनियर पेयर वगैरह जो है इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लीनियर पेयर लिया वहां पर भी आप लीनियर पेयर ले सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को ना आए तो आप बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।